तमाम वो लोगों को जिन्होंने इस हजुमरा में आप हाजियों की खिदमत के जज्बे के साथ ये हजुमरा का ले जाने का टूर के थ्रू ले जा रहे हैं, तो ये इनका मैं इनको लोगों को जानता हूँ कि ये कमर्शियल स्टाइल में नहीं, बहरहाल ये हजुमरा की अहमियत को जानते हैं, ये ज्यारत को हजुमरा को मदीना मक्का और इबादतों को ये अच्छी तरह जानते हैं और उस मकसद से ये लोग काम करते हैं और ये लोग उस भरोसा है कि ये लोग अच्छी खिदमत देंगे और आपकी दुआएं लेंगे और आपको अच्छी खिदमत देकर आपकी सहूलतें आपको मुहैया करवाएंगे। इन सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इनसे अच्छे काम लेंगे और ये आपकी खिदमत हाजियों की और उमरा करने वालों की अच्छी तरीके से खिदमत करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ने तकरीबन कसी तादाद में मुझे हज उमरे का मौका दिया है और बहुत से ग्रुप मैंने एज़ एक अमीर के हिस्से से लेकर गया हूँ और वहाँ पर मुझे जो ज़ाती तजुर्बे हुए हैं, एक तो अरकान के ताल्लुक से लिहाजा टूर ऑपरेटर जो वादा करते हैं उसके वादा के खिलाफ ही काम करते हैं और सारी चीज़ें हैं जैसे कि अभी बताया गया है कि दुआओं के हासिल करने के बजाय दिल से लोग बदुआ देते हैं। ये तजुर्बा मुझे हुआ वहाँ से आने के बाद, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पर हर हज और उमरे को जाने वाले को बेहतरीन किस्म की तरबियत किया जाए, तो अमली मश्क की हम प्रैक्टिस यहाँ करवाते हैं, आयशा मस्जिद में होती है और इसी मद्देनज़र रखते हुए रेहान से हमने इनसे कहा था कि भाई आप इस किस्म का एक टूर ऑफर शुरू कीजिए, इंशाल्लाह हम इसमें जितना भी हो सकता है हमसे तौर करेंगे। अभी आपका 24 तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? असल में हज उमरा टूर्स अजमी के नाम से ये जो अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद में टूर्स का आगाज़ हुआ है, एक मुबारक सफ़र में हमारे रेहान बेअमानी साहब और उनके भाई, तो चूँकि ये हमारे बहुत अजीज़ हैं और इनके पूरा जो कारोबार है अब तक की पूरी ज़िंदगी है बहुत शफाफियत और ट्रांसपेरेंसी के साथ ये लोग अपनी तजारत करते हैं। जब ये बात मालूम हुई कि रेहान बेअबानी साहब इस मैदान में काम कर रहे हैं तो मुझे खुशी हुई और मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह बहुत ही मतलब प्रोफेशनल अंदाज में और बहुत ही मामलात की शफाफियत के साथ ये हज टूर्स एंड ट्रैवल्स जो है अजमी के नाम से अपनी खिदमत अंजाम देगा और इंशाअल्लाह, चूँकि इन लोगों का पूरा बैकग्राउंड बहुत ही दीनी बैकग्राउंड है, तहरीकी बैकग्राउंड है, तो इंशाल्लाह अज़ीज़ हज और उमरे की जो रूह है उसकी जो स्पिरिट है उस पर भी इंशाल्लाह ये जो एजेंसी है हज उमरा आजमी एजेंसी इस पर भी काम करेगी। हम इस मौके पर रमज़ान की इस बाबरकत शाम में जबकि इफ्तार का वक्त है और इस मौके पर इसका इनॉग्रेशन या लॉन्चिंग हो रहा है, तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अजमी टूर्स एंड हज उमरा टूर्स को अल्लाह ताला उसमें बरकत दे
اور اس کی خدمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جو لوگ ایسے ہیں جو جانا چاہتے ہوں گے، تو آپ ایسے لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ الحمدللہ آج جو ہے عجمی جو ہے حج عمرہ ٹورز جو ہے اس کا ایک طرح سے انوگریشن ہے، افتتاح ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ حج اور عمرہ ایک ایسا سفر ہے جس پہ ہر مسلمان جانا چاہتا ہے، خواہ وہ جو ہے اس کی استطاعت رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، لیکن خواہش ضرور رکھتا ہو۔ تو الحمدللہ جیسا کہ ابھی بات ہوئی اس کے ذمہ داران سے، اور جو باتیں انہوں نے ہمیں بتائی ان سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ذمہ داران خواہش مند ہے کہ وہ واقعتاً جو ہے عمرہ جانے والے اور حج کو جانے والوں کی خدمت کرے، اور جو تمام چیزیں سفر میں جو لوازمات ہیں جس کا خیال رکھنا چاہیے، جو سہولتیں جو مسافروں کو دینا چاہیے یا معتمر اور حاجی کو دینا چاہیے، ان تمام کا وہ خیال رکھ رہے ہیں، اسپیشلی لیگیلٹیز، ہوٹلز اور ساری چیزوں کا۔ اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اس لیے کہ جنرلی ہوتا یہ ہے کہ حج عمرہ کے ٹورز بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن جہاں حاجی یا عمرے کو جس شخص کو آپ لے جا رہے ہیں اس کی دعائیں وہ ٹورس اینڈ ٹریولس والا حاصل کریں، نظر یہ آتا ہے کہ اتنی تکلیف پہنچائی جاتی ذہنی اور جسمانی کہ وہ بدعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جہاں ایک ٹور آپریٹر خود دعاؤں کا مستحق مطلب ہے اور وہ دعائیں حاصل کر سکتا ہے، وہ دعائیں لیتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ جو عجمی جو ہے حج عمرہ جو ٹورس ہیں، یہ لوگ جو جس طریقے سے ایک شخص کو عمرہ اور حج کرانا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں میں برکت دے، اور جیسا انہوں نے کام کے لیے سوچا ہے ان اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو عمل میں آسانی کرے۔ اور لوگوں سے گزارش کروں گا کہ حج اور عمرہ جو ہے وہ ایک عبادت ہے، وہ ایک جس کو کہیں گے سیاحت، جس کو کہیں گے وہ ٹوریزم نہیں ہے، مطلب ہم صرف گھومنے نہیں جاتے ہیں، ہاں گھومنا بھی ہوتا ہے اس، لیکن وہ عبادت ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اپنی عبادت کو سکون اور اطمینان سے کرنے کے لیے وہ ضرور ایسے آپریٹرس کو ڈھونڈیں جو واقعی میں للہیت اللہ کے لیے، اور واقعی میں وہ جو حاجی عمرے کرنے والوں کی خدمت کا جذبہ اور احساس رکھتے ہوں۔ یہی بات میں کہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عجمی حج عمرہ ٹورس اینڈ ٹراویلس کی آج یہاں پر دوسرے دفتر کا افتتاح ہوا، جہاں پر افتتاح کے موقع پر حضرت مولانا الیاس صاحب فلاحی، امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند مہاراشٹر، ایڈوکیٹ فیض سید صاحب اور دیگر مہمانان خصوصی یہاں پر موجود ہیں۔ الحمدللہ ان کی موجودگی میں ان کی دعا سے اس عجمی حج عمرہ ٹورس اینڈ ٹراویلس کا افتتاح ہوا۔ یہ ٹورس اینڈ ٹراویلس کا آغاز کرنے کا مقصد جہاں پر ایڈوکیٹ راشد بیابانی صاحب اور ریحان بیابانی صاحب اور عبید صاحب ان کے جن میں یہ بات آئی تھی کہ ہم کسی بھی طریقے سے دنیاوی مفاد کے بغیر، ہم چونکہ حج اور عمرہ کی عبادت ہیں، اس عبادت کو صحیح معنی میں پورا کروانے کے لیے اس عمرہ ٹورس اینڈ ٹراویلس کا آغاز کیا گیا۔ یہ اس دفتر کا جو ایڈریس ہے یہاں پر اورنگ آباد میں، پہلے دفتر کا ایڈریس ہے عجب نگر بیسائڈ اے بی سی ڈرائی کلینر، پیٹھن گیٹ روڈ، یہاں پر اس کا یہ دفتر ہے۔ اور دوسرا دفتر چمپا چوک میں حضرت احمد رضا روڈ چمپا چوک پر، یہاں پر اس کا دوسرا آفس ہے، اور جب بھی 24 گھنٹے یہاں پر اس کی خدمات دینے کے لیے، کیونکہ ایک پورا ایک تجربہ کار افراد پر مشتمل ایک ٹیم یہاں پر موجود ہے، ہمارے سینئر سید مشتاق الدین صاحب، عبدالحمید صاحب یہاں موجود ذمہ داران جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی نگرانی میں اس پورے ایک ٹور کا معائنہ کیا جاتا ہے، جانچ کی جاتی ہے، ملک کی اندرون ملک میں بھی اور بیرون ملک میں بھی یہاں کے ذمہ داران موجود ہیں، اور اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہر طرح سے ہمارے حاجیوں کو سہولت میں پہنچے اور ان کی عبادت میں کوئی خلل نہ ہو۔ ہم شیخ عبد الماجد ہیں، دارالعلوم ندوۃ العلما سے فارغت ہیں، اور اس وقت میں جماعت اسلامی ہند حلقہ مہاراشٹر میں جو صفہ اسلامی مکاتب چلتے ہیں اس کے کوآرڈینیٹر ہوں۔ ریحان بیابانی صاحب ہیں جو اس عمرہ عجمی حج عمرہ ٹورس کے پروپرائٹر ہیں۔ ایڈوکیٹ فیض صاحب یہاں موجود ہیں، ڈاکٹر صاحب خالص صاحب ہیں، مشتاق صاحب کے دوست ہیں، مولانا الیاس خان صاحب فلاحی جو اس وقت جماعت اسلامی ہند حلقہ مہاراشٹر کے امیر حلقہ ہیں، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ممبر ہیں، اور بھی کئی اداروں کے ذمہ دار ہیں، جامعۃ الفلاح اعظم گڑھ کے رکن شورا ہیں الحمدللہ، اور الحمدللہ بھی شہر اورنگ آباد میں بھی بہت ساری ایکٹیویٹی حضرت مولانا کے ذریعے سے چلتی ہے۔ آپ ارشد خان صاحب ہے، زبیر صاحب ہے الحمدللہ۔
जी ब्राइट कोचिंग ब्राइट कोचिंग क्लास है जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। सैयद मुश्ताकुद्दीन साहब हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह दारुल क़ज़ा फैमिली काउंसलिंग सेंटर जो जमात इस्लामी हिंद के तहत चलते हैं उसमें काउंसलर हैं और बहुत सारी एक्टिविटी अल्हम्दुलिल्लाह जमात के तहत चलते हैं। हज उमरा की जो तरबियत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्त कई अमली तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे औरंगाबाद में मस्जिद आयशा के ज़ेरे जो मस्जिद के नीचे का जो हिस्सा है वहाँ अमली तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ हज की मशक कराते हैं अरकान की। और इस अवैस साहब हैं अल्हम्दुलिल्लाह आपके फर्जन हैं जो इस टूर ऑपरेटर में हज उमरा के मेंबर हैं और इसके ज़िम्मेदार भी हैं। तो यहाँ इस वक्त बुलाने का मकसद यही था ताकि इस अजमी हज उमरा टूर्स एंड ट्रैवल्स का क्या मकासद है, क्यों करना चाहते हैं, उसकी मुख्तसर बातें रेहान बियाबानी साहब ने आपके सामने रखी हैं। इस मौके पर आप हजरात से भी अमली तौर पर कुछ इजहार ख्याल की दरख्वास्त है कि इस मौके पर हम हमारे लिए उम्मत मुस्लिमीन के लिए और उन हजरात के लिए जो उम्रा का इरादा रखते हैं वो किस तरीके से उम्रा की अदायगी करें और किस तरीके से अपनी इस इबादत को पूरा करने के लिए कौन से आमाल हम करें और इसकी तैयारी कैसे करें, इस पर हम अपनी थोड़ी सी मुख्तसर हाँ। क्या मैसेज देना चाहेंगे और आपके पास उम्रे के लिए जाने वाले जो हजरात रहेंगे उनके लिए आपके लिए आपके पास क्या क्या स्वागत रहेंगे आप बताना। आज जो हमारा दूसरे ऑफिस का ओपनिंग हुआ है, पहला हमारा हेड ऑफिस चंपा चौक के ऊपर एक है, ये दूसरा ऑफिस है। अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पॉन्स अच्छा है हमारा। अभी अगला पैकेज 24 अप्रैल का है और हमसे जो भी अच्छी से अच्छी कोशिश होंगे उनको सहूलत देने की हम हमारी तरफ से दी जाएंगी। और दुनिया का एक वाहिद सुकून खल का मरकज़ है जहाँ आप उम्रे के हज के लिए जा रहे हैं, तो हज व उम्रा इबादत है, सैर व तफरी नहीं है। उस लिहाज से हम हमारा काम करते हैं हजियों को सहूलत देने का। और हम एक हमारा जो पैकेज है वो डिलक्स में जो एक रेट फिक्स है हम उसी हिसाब से सहूलतें देंगे, हमसे जितनी कोशिश हो सके। हम अपनी तरफ कितने उम्र कराए जाते हैं आपके पास? उम्रों का ऐसा नहीं है, उम्रों का उम्र तो वैसे यहाँ से जाते ही हो जाता है, वो गिनती में नहीं लेते, 5-4 ये जो भी है जैसी सहूलत होगी वो उस हिसाब से 3 हो गए 4 हो गए उम्र कराए। बहुत से टूर्स वाले हमने देखे हैं कि वो उनके पास 5 उम्रे रहते हैं और 20 से 25 ज्यारतें रहती है, क्या आपके पास भी हजियों के लिए 20 से 25 ज्यारतें हैं? ये तो उसके शेड्यूल के अंदर ही आता है, ये एक्स्ट्रा बताने की ज़रूरत नहीं। खाना आप लेके जा रहे हो तो हजियों को खाना देना पड़ेगा, आपको जा रहे हैं तो ज्यारतें कराना पड़ेगी, ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये तो करने से काम होता है। अब ये बोलकर पब्लिक सिटी लेना कोई वो नहीं है, खाली आप सर्विस दो, सर्विस अच्छे देंगे हाजी आपको खुद ब खुद रिस्पॉन्स देंगे। कितने करीब रहती है होटल? होटल का ऐसा है हमारी होटल है तो मुश्किल से 450-500 के अंदर है। और आजकल ऐसा हो गया हुआ है हम नाम भी दे देते हैं उनको हाजी को, वो आजकल गूगल सिस्टम है, गूगल के ऊपर चेक भी कर सकते हैं। हमारे पास है तो जो वादे करते हैं उसको पूरा किया जाता है। बहुत से ऐसे हजरात हैं जिनके पास पासपोर्ट नहीं होता है, तो क्या आप उनको पासपोर्ट की भी सहूलत आपके पास है? पासपोर्ट भी बना के देते हैं और पासपोर्ट की भी सहूलत है हमारे पास में। हाजी को ट्रेनिंग भी दी जाती है हमारे पास। सबसे बड़ा हमारे पास प्लस पॉइंट ये है कि हम हाजी को चाहे हज को जाओ या उमरे को जाओ हम यहाँ पर अमली मश करा कर साथ में हमारे पास में मक्का का मस्जिद नबवी का और रियाजुल जन्ना का मॉडल बना हुआ है जिसे जिसको यहाँ पर सामने रखते हुए हम उनको अमली मश कराते हैं अहराम पहना कर हाजी को यहाँ से कंप्लीट मुकम्मल तैयार करके लेके जाते हैं। औरंगाबाद के लोग नौजवानों से आज हमारे पास जो 24 को जा रहे हैं उसके अंदर अहमदनगर के हाजी है, पनवेल के है और अतराफ के औरंगाबाद के ऐसे दूर दूर के भी हाजी हमारे पास है, हम उनकी भी तो इंतज़ाम वहाँ लेके जाने का करते हैं। औरंगाबाद के नौजवानों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? औरंगाबाद के नौजवानों से क्या अपील? यानी जो उम्रा जाने वाले हैं एक मरतबा आप इस टूर से जरूर एक बार हमें मौका दीजिए, हमारे साथ आइए, हमारी खिदमत देखिए, उसके बाद आप फैसला तय कीजिए। क्या कहना चाहेंगे आज आजमी हज उमरा टूर्स की यहाँ पर ओपनिंग हुई
तो किस मकसद के तहत आप काम करेंगे? क्योंकि देखा गया कि शहर औरंगाबाद के अंदर बहुत से ऐसे टूर्स हैं जो काम करते हैं, जो हाजियों की खिदमत करते रहते हैं। अब आपका मकसद बताइए और किस तरीके से आप खिदमत करेंगे हाजियों की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मज़र रेहान बियाबानी है। अल्हम्दुलिल्लाह अजमी हज उमरा टूर्स का जो है इफ्तिताह कोविड से पहले 2019 में ही हुआ था, और ये असल में हमारे दूसरे ऑफिस का इनॉग्रेशन है हमारा, जिसमें अभी आप जहाँ मौजूद हैं अजब नगर के गेट के बाजू में जो है ABC ड्राई क्लीन के ऊपर जो है हमारा ये दूसरा ऑफिस है, और एक ऑफिस हमारा चंपा चौक के अंदर है। जैसा आपने मुझसे सवाल पूछा कि आपका मकसद क्या है, देखिए हमारा मकसद ये है कि हमारे साथ जो हाजी लोग हमारे साथ चले, हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है बेहतर फैसिलिटीज़, बेहतर सुविधा, और उनको जो एक फराइज एक इबादत के लिए जो उम्रे के लिए जा रहे हैं उसमें जो हम उनकी जो है ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत कर सकें। और हमारे जहन में हमने जो आपने अगर हमारा ब्रोचर देखा भी होगा कि हम इस पंच लाइन के साथ चल रहे हैं कि उम्रा हज और उम्रा जो है कोई सैर और तफरी नहीं है, ये इबादत के लिए हम लोग आते हैं। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हमारे हाजियों को हम ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे जो है सहूलतें फराहम करें, चाहे वो होटल की शक्ल में हो, हम कोशिश करते हैं कि नज़दीक से नज़दीक होटल जो है अरेंज करने की कोशिश करें, खाने के ताल्लुक से जो लोगों को जो है बेहतरीन हिंदुस्तानी तर्ज के जो खाने होते हैं वफे सिस्टम हम वो कोशिश करते हैं, ज़ियारतों के अंदर जो है हम मक्के में भी और मदीने में दोनों जगह ज़ियारत कराते हैं, और जद्दे से मक्का, मक्का से मदीना, इन सफ़र के अंदर जहाँ पे भी हम जो है गाइड के ज़रिए और बसेस के जगह AC बसेस के थ्रू जो है हम इनको ट्रांसफ़र कराते हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हाजी को जो है सहूलतें फराहम कर सकें। आगे आपके टूर्स कब? जी दूसरा अभी हमारा इस रमज़ान इसके बाद जो है शवाल में इंशाल्लाह 25 अप्रैल को जो है हमारा एक ग्रुप रवाना होने वाला है। इस ग्रुप का जो है 15 दिन की का ग्रुप है ये, जिसकी कीमत जो है 85,000 रुपये जो है रखी गई है। देखा गया बहुत से उम्राग्राम जो हज उम्रे को नहीं जा सकते क्योंकि उनकी पेमेंट बहुत ही कम रहती है, तो क्या आपके पास कुछ ऐसी उम्राग्राम के हासिल उम्राग्राम के लिए सहूलत होंगी कि आपके टूर्स के साथ कभी फजग्राम को, कभी उम्राग्राम को, कभी मुअज्जिन के लिए कुछ फ्री रखा जाए ताकि वो भी अल्लाह के घर का दीदार करें, कुछ ऐसा आपके पास हो सकता है बाद में? अभी फ़िलहाल में तो ऐसा कुछ हमारे पास नज़म नहीं है, लेकिन अगर कुछ चीज़ें आती हैं तो हम उस पर गौर किया जा सकता है। अगर कुछ गुंजाइश बनती है तो इंशाल्लाह जो उसमें जो भी सहूलतें हों इंशाल्लाह हम देने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। पासपोर्ट की आपके पास कैसे सहूलत है? अगर किसी के पास हज उम्रे के लिए जाना चाहता है तो उनके पास अगर पासपोर्ट नहीं है? जी ये फैसिलिटी, अगर जो हाजी उम्रे को जाना चाहते हैं और उनके पास पासपोर्ट नहीं है तो पासपोर्ट बनाने के लिए जो भी रहनुमाई और जो गाइडेंस या बना के देना वो चीज़ें जो है इस ऑफिस से की जाएगी। अभी आपका जो काफिला जाने वाला है उसमें कितने? देखिए अभी जो हमारे एक्सपेक्टेड हाजीज जो है 30 से 35 हम लोगों का टारगेट हम लोग पकड़ के चल रहे हैं, जितने अभी हमारे पास हो गए इंशाल्लाह हम लोग उस टारगेट को अचीव कर लेंगे इंशाल्लाह। शहर औरंगाबाद के नौजवान जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है हमने जब ये हज उमरा चालू किया तो हम तो कोशिश ये करेंगे कि तमाम औरंगाबाद, न सिर्फ औरंगाबाद के अतराफ के भी लोग जो है हमारे इस हज उमरे के टूर के आप आएँ और हमको जो है आपकी खिदमत का और उनके मौका हमको दें ताकि। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।